The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, aaj hum baat karenge diabetes ki, kyunki 14 नवंबर को डायबिटीज डे है वर्ल्ड वाला, तो आप ध्यान में रखिए और डायबिटीज को है उसको कंट्रोल में रखिए, बहुत जरूरी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो डायबिटीज मतलब क्या होता है और डायबिटीज प्री डायबिटीज मतलब क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है. इसी को समझने के लिए आप लोगों के पास दो तीन प्रकार के टेस्ट होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो उसको डायबिटीज़ बोलते हैं. सो किस लेवल के शुगर को डायबिटीज़ बोलते हैं, किस लेवल के शुगर को प्री डायबिटीज़ बोलते हैं और किस लेवल के शुगर को नॉर्मल बोलते हैं, यही सबसे बड़ा बखेड़ा है, सबसे बड़ा. और उम्र का भी लोग बातचीत करते रहते हैं, तो सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर दें, इसमें उम्र का या एज और एज सेक्स का कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है. ये इसमें उम्र वाली चीज़ नहीं है, इसमें एक नॉर्मल लेवल है जो आपका होना चाहिए. तो आपका कोई भी उम्र हो, आपका उतना लेवल आना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको ध्यान में रखना है. सो उम्र का टेंशन नहीं है, वो टेंशन है आपका शुगर लेवल का. सो अगर आपका लेवल, शुगर लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको डायबिटीज़ बोला जाए, तो हम उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं. तो प्री डायबिटीज़ का क्या मतलब होता है और प्री डायबिटीज़ किस लेवल को बोला जाता है, इसको समझने के लिए क्या मतलब, अगर आपको क्यों प्री डायबिटीज़ भी खतरनाक है, अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो भी एक नॉर्मल आदमी से आपको मच मच हायर रिस्क है एक हार्ट की बीमारी और स्ट्रोक होने का, और डायबिटीज़ होने का भी रिस्क है बहुत ज़्यादा अगले 5 या 10 सालों में. 10 साल के अंदर आपको डायबिटीज़ हो जाएगा अगर आपका आज प्री डायबिटीज़ है. सेकेंड, इसका क्या मतलब प्री डायबिटीज़ का, कितना लेवल होता है जो प्री डायबिटीज़ होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. इन शॉर्ट, अगर आप बहुत मोटे हो, अगर आप बहुत मोटे हो, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप प्री डायबिटीज़ में घुस सकते हो. और नंबर दो, आपको डायबिटीज़ भी हो जाएगा. उसके अलावा आपकी, देखिए थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, योर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. आपकी बॉडी में जो शक्ति मिलती है, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा, तो ग्लूकोज इज़ द मेन शक्ति. और ग्लूकोज आपके जो खाने में हर पदार्थ में होता है, रोटी चावल में 70-80-90% तक ग्लूकोज है, और उसी के यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड गेट्स अब्जॉर्ब इनटू योर ब्लड. वो ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में घूमेगा, ब्लड में आपका इंसुलिन नामक हार्मोन, वो जितना ज़्यादा एक साथ जाएगा ग्लूकोज, उतना ज़्यादा इंसुलिन आएगा. इंसुलिन लेके उसको अपने सेल्स के अंदर लेके जाएगा, टिश्यूज़ के अंदर लेके जाएगा, सबके अंदर लेके जाएगा, जहाँ पे उसका इस्तेमाल होगा. जब ज़्यादा खाओगे तो इस्तेमाल होने के साथ साथ वो स्टोर होगा, फैट टिश्यू, आप भंग मोटे हो जाओगे. सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हो चुके हो मोटे. और फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी बोलेगी, अरे मैं तो मोटा हो गया, अरे ये तो मोटा हो रहा है, तो फिर वो क्या बोलेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंट करेगी, नहीं नहीं और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, मेरे कार में जगह नहीं है, 4 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, अरे और नहीं बैठा सकते. तो फिर क्या होगा, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी. इंसुलिन क्या करेगा, मतलब बॉडी क्या करेगी, इंसुलिन के लिए उतना रिस्पॉन्स नहीं देगी, इंसुलिन से उतना जल्दी शुगर अंदर नहीं लेके जाएगी सेल्स में, तो शुगर रुकना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू होगा. तो ये लेवल पे आपको पहले प्री डायबिटीज़ होगा. प्री डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, तो प्री डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है. ग्लूकोज इज बिल्डिंग अप इन योर ब्लड स्ट्रीम, और एट दैट लेवल जितना हाई, उतना हाई नहीं है लेकिन कि डायबिटीज़ बोले अगर है. सो यहाँ पर आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, या एटलीस्ट अपना हेल्थ केयर चेकअप करना ज़रूरी है, अपना ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है रेगुलरली टू असेस कि आपके लेवल क्या है, और अपना लाइफस्टाइल ठीक करना ज़रूरी है. सो क्या होता है डायबिटीज़, क्या होता है प्री डायबिटीज़. अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग शुगर लेवल, अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल जो है वो 100 से लेके 125 तक आता है, 100 से 125, ठीक है, अगर ये ऐसा आ रहा है 100 से 125, तो इसको हम बोलते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज. जी हाँ, ये नया लेवल है इम्पेयर्ड फास्टिंग, मैंने अगर आपका 100 भी आ रहा है तो भी वो आइडियल नहीं है, आइडियल इज़ लेस देन 100.
आइडियल इज लेस देन 100, 100 भी आ रहा है तो भी आइडियल नहीं है, 125 भी आ रहा है एक्सेप्टेबल है, मैं वो नहीं कह रहा कि दवाई खाओ, एक्सेप्टेबल है लेकिन आइडियल नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्री डायबिटीज। सो 100 टू 125 फास्टिंग शुगर इज प्री डायबिटीज, इट्स नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल, बट एट दैट लेवल यू नीड लाइफस्टाइल चेंज, उस लेवल पे आपको लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज खाना खाने के बाद 140 से 199 है, 140 टू 199 टू आवर्स आफ्टर टेकिंग 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, एक टेस्ट आता है GTT, मतलब आपको 75 ग्राम शुगर ग्लूकोज खिलाया जाता है और 2 घंटे के बाद आपका ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है कि आपकी शरीर में जो इंसुलिन है क्या वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को शरीर के अंदर ले जा पा रही है या नहीं ले जा पा रही है। तो अगर आपकी शरीर 75 ग्राम ग्लूकोज को अंदर नहीं ले जा पा रही है, यानी 140 से 199 के बीच में आपका ग्लूकोज है, तो उसको बोलेंगे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, उसको डायबिटीज नहीं, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलेंगे। थर्ड, उसको डायबिटीज नहीं बोलेंगे, 200 के ऊपर डायबिटीज, 200 या 200 के ऊपर। थर्ड, अगर आपका A1C लेवल, HbA1c हीमोग्लोबिन ग्लाइकोक्सिलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल आपका 5.7 से 6.4 तक है, देन दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटीज। सो ये तीनों प्री डायबिटीज के हैं, 5.7 से 6.4 इज प्री डायबिटीज, कौन सा HbA1c, 5.7 से नीचे है तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है नॉर्मल है, 5.7 टू 6.4 इज प्री डायबिटीज HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज 100 टू 125 इज प्री डायबिटीज, एंड पोस्ट मील 140 से लेके 199 है, देन दैट इज प्री डायबिटीज। ओके, सो दिस इज है, सो हैविंग इंक्रीज्ड शुगर, तो इसके वजह से आपका डायबिटीज का रिस्क है, आपका शुगर हाई है, आपके खून की नसें डैमेज होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल नसें, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, उसमें डैमेजेस होंगे, उसके रिस्क बढ़ेंगे, उसके अंदर ब्लॉकेजेस होंगे। सो प्री डायबिटीज एक खतरे की घंटी है, दस्तक है, क्राइम पेट्रोल है, ये दया करिए अपने ऊपर और अपने दिमाग के दरवाजों को लात मार के तोड़ दीजिए और लाइफस्टाइल करेक्ट करिए। मतलब काय करायचं, तुमको अगर अगर डायबिटीज में नहीं जाना है, हार्ट अटैक में नहीं जाना है, तो सबसे पहले अनहेल्दी खाने को कट करो। अनहेल्दी खाना मतलब घी, बटर, मक्खन, मलाई, फैट, ठीक है, चर्बी ज़्यादा है तभी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, चर्बी कम करनी है तो चर्बी थोड़ी खाओगे, घी, बटर, मक्खन, मलाई मिनिमम ना के बराबर, मक्खन मलाई बन, घी बटर बन, घी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं, वो भी तब जब आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो। नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करिए, हेल्दी फूड खाइए, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो होल ग्रेन खाइए, ये नहीं कि ब्रेड, बेकरी, पास्ता, पिज्जा, नो। फिर लीन प्रोटीन्स खाइए, लीन प्रोटीन में क्या वेजिटेरियंस के लिए सोयाबीन, सोया चाप, सोया चंक्स, दूध में डबल टोन दूध, स्किम्ड मिल्क, या दूध में से 2 बार मलाई निकाल के खाइए। उसके बाद में आप प्रोटीन में खा सकते हैं किनुआ, उसमें खा सकते हैं दालें, जितनी भी दालें हैं वो खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, ये रोज़ खाइए, इनमें से कुछ ना कुछ रोज़ सुबह शाम ज़रूरी खाइए। नॉनवेज खाते हो तो अंडे खाइए, लो फैट डेयरी लीजिए, बहुत सारा वेजिटेबल दबा के सब्जियाँ वेजिटेबल्स खाइए, एक हेल्दी डाइट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एज मच एज यू वॉन्ट, फ्रूट्स एंड मच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एज मच एज यू वॉन्ट, सुबह 1 बड़ा प्लेट, शाम को 1 बड़ा प्लेट, शुगर कंट्रोल, वजन भी कंट्रोल। वजन कंट्रोल होने से 5 से 7% ऑफ योर बॉडी वेट अगर आप लूज कर दो, 5 से 7, 100 किलो के हो 7 किलो 5 किलो लूज कर लोगे, प्री डायबिटीज गायब, सच है, ठीक है। सो लूजिंग वेट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस ऑन योर हेल्थ, ह्यूज मतलब HUGE, ह्यूज ह्यूज लिखित में ले लो तुम। सो लूज वेट एंड गेट क्योर्ड, ईट हेल्दी गेट क्योर्ड, एक्सरसाइज, थर्ड इज एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट 30 to 60 minutes ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 5 days अ वीक करो भैया, ब्रिस्क वॉक, राइडिंग, स्विमिंग, बाइक साइकिलिंग, जंपिंग जैक्स, उठक बैठक, कुछ भी करो, डू समथिंग, एंड देन ऑब्वियसली अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, दिक्कतें हैं, तो अपने दवाइयाँ ले लो। प्री डायबिटीज में नो दवाई, प्री डायबिटीज में रिस्क ऑलरेडी दिस, ओनली दिस, नथिंग एल्स, ओनली दिस, ठीक है।
रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कौन चेक कराए अपना शुगर, सर मेरा चेक करूं कि तुम्हारा चेक करूं कि किसका चेक करूं, चेक करो अगर आपकी उम्र 40-45 की है, चेक करो अगर आपको पहले डायबिटीज़ रह चुका है, डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, चेक करो अगर आपके पेरेंट्स फादर मदर किसी को फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, एक्सरसाइज ही नहीं करते, अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा, अगर आपका बीपी 140/90 या उससे ज़्यादा है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ है, अगर आपका खासकर एचडीएल कम है और एलडीएल हाई है, अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी है, अगर आपको ऑलरेडी कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, एकांथोसिस या कोई बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, ऐसे लोग जरूर चेक करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्री डायबिटीज़, आई होप आपको समझ आई। अब आप अपने सवाल अगर छोटे मोटे हैं तो जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, प्लीज शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।